एवरीवन, मैं आपको दोस्त आगे स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हमारे पास आ गया है Honor X9। जी हाँ, Honor वालों ने ये फोन भेजा है और एक पेड कोलैबोरेशन है Honor के साथ। तो ये फोन मुझे मिला है X8 के बाद। Honor का X8 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था और आपने काफी प्यार दिखाया उस वीडियो पे, तो थैंक्स फॉर दैट। इस पे भी थोड़ा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये फोन अभी रिसेंटली UAE मार्केट में आ चुका है और Honor का आपने बैकग्राउंड सुना ही होगा, काफी तगड़े फोन लाता है। इस तगड़े से याद आया मेरे पास एक Honor का बहुत ही तगड़ा फोन है, Honor Magic 4 Ultimate। इस टाइम ये DxO मार्क पे टॉप पे फोन है, मतलब इसका कैमरा बेस्ट है, जिसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। लुक्स काफी सिमिलर कह सकते हो, इसका थोड़ा कैमरा डिफरेंट है, मगर मुझे इसका कैमरा काफी पसंद आया। तो आज हम बात करेंगे Honor X9 के बारे में, क्या है फोन, कितना बढ़िया है, क्या कुछ प्लस या माइनस इस फोन में मिलता है। तो पहली बात मुझे जो इंप्रेसिव लगी वो है इसका साइज 6.81 इंच। अगर आपको बड़े फोन पसंद है तो ये आपको काफी बढ़िया लगेगा। आप देख सकते हैं डिस्प्ले क्या कमाल की बनाई है। ये मैंने फोन पहली बार फेब में देखा था, मैं Honor के ऑफिस में गया था शायद Honor Fold की वीडियो बनाने, तब वहां पर एक एम्प्लॉई यूज कर रहा था और मेरा पहला रिएक्शन ये था, वाओ क्या डिस्प्ले है। मतलब डिस्प्ले अगर देखोगे तो ब्रिजल्स बहुत ही छोटे हैं, मतलब ना के बराबर हैं। सिंगल पंच होल काफी बढ़िया लग रहा है, चिन भी मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से ठीक है, जस्टिफाई करती है। इतना बड़ा फोन और ऐसे ब्रिजल्स कमाल कर देंगे। अगर आप मूवीज गेमिंग लाइक करते हो मोबाइल पे देखना तो आपको ये काफी पसंद आएगा। तो आगे इसकी और इन डेप्थ बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या मिलता है। दो कलर्स में आता है ये, सिल्वर और ब्लैक, दोनों ही काफी शानदार लगते हैं। और ये 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ आता है। बॉक्स को खोल के देखते हैं तो सबसे पहले आपको फोन मिलेगा जिसको हमने निकाला, वाओ मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब ये जो कैमरा लेआउट है मेरे को काफी पसंद आती है, मतलब काफी डिसेंट और काफी ग्रेसफुल लुक देती है। इवन ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है, Honor का लोगो लगा है, ट्रिपल रियर कैमरा मैट्रिक्स, और देखने में मुझे काफी पसंद आया। प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम की, टॉप पे नॉइस कैंसिलेशन स्पीकर। यहाँ पर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 8.1 mm थिकनेस है। बॉटम में सिम ट्रे, माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर। सिम ट्रे की बात की जाए तो इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और बॉक्स में हमें और क्या मिलेगा, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, एक कवर मिलेगा जो बेसिकली नॉर्मल कवर की तरह है, मगर जो मैंने इसको लगाया फोन पे काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, मतलब ग्रेस अच्छी लग रही थी। और 4800 mAh की बैटरी देता है, 66W का चार्जर जो इंप्रेसिव है इस प्राइस रेंज में, प्लस आपको टाइप सी टू USB चार्जिंग केबल मिलेगी। कंपनी क्लेम करती है 81% 30 मिनट्स में चार्ज कर देगा। तो अब हम करते हैं फोन को ऑन, देखते हैं क्या है इसकी डिस्प्ले। तो 6.81 इंच की IPS LCD स्क्रीन मिलती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 1080x2388 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, सिंगल पंच होल के साथ आती है और मुझे डिस्प्ले बहुत पसंद आई। इवन IPS LCD स्क्रीन है, मुझे AMOLED ज़्यादा पसंद होती है, मगर इसकी डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसके ब्रिजल्स बहुत, मतलब ना के बराबर ही आप कह सकते हो, टॉप साइड्स पे देखोगे तो कमाल करते हैं। और सिंगल पंच होल भी मिडल में है तो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चेन भी मुझे ठीक लगा, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अबाउट फोन में चलते हैं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट जो 6nm बेस है, 5G चिपसेट, मतलब आपको 5G फोन मिलेगा इसी प्राइस रेंज में। UAE में आप देख सकोगे Huawei Nova 9 SE मिलता है जो स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, तो ये भाई आपको मच बेटर ऑप्शन मिल जाएगी। साथ में बात की जाए तो इसमें मैजिक UI 4.2, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें एंड्रॉयड 11 मिलता है। कंपनी होपफुली जल्दी से जल्दी एंड्रॉयड 12 का अपडेट आपको दे सकती है। रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 60Hz और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये तो होगी इसके सेटिंग्स अबाउट फोन के बारे में। बेंचमार्क में चलते हैं तो स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट है, तो N2 ट्राई किया तो 400,000 के पास कोर आया। Geekbench 5 ट्राई किया तो सिंगल कोर 680 के पास और मल्टी कोर 1920, नॉट बैड। और वाइट वाइन की बात की जाए तो L1 का सपोर्ट मिलता है, मतलब आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम में फुल HD का सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो भी देख लेते हैं कैसी लगती है। तो इवन IPS LCD स्क्रीन है, काफी देखने में अच्छी लग रही है, कलर्स काफी अच्छे आए हैं हर एंगल्स में, और इस पर मूवीज देखने रियली काफी मजा आएगा, बड़ी स्क्रीन में रियली काफी अच्छा लगता है और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वही बात की जाए गेमिंग की, जी हाँ, तो हम Apex Legend तो नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे हमारी फेवरेट गेम PUBG, ट्राई करेंगे कैसी है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिक, तो इसमें आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा की ऑप्शन मिलती है, अभी एक्सट्रीम की ऑप्शन नहीं मिलती। यस, होपफुली Qualcomm Snapdragon वाले जल्दी लें, ऑप्टिमाइज कर दें और एक छोटा सा मैच भी लगा लेते हैं। तो मैंने डेथ मैच लगाया है। तो यहाँ पर हम निकल गए हैं अपनी UZI लेके और मैच शुरू हो गया है।
बड़ी स्क्रीन में खेलने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, मुझे रियली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर किसी पास स्नाइपर है तो कहाँ पर है ये रहा बंदा, तो यहाँ पर हमें पहली किल बड़े ही आराम से मिल गई, तभी मुझे यूज़ दिया ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मगर यहाँ पर फिर से बंदा आया और ये मेरी गोलियों से बच गया, मगर यहाँ पीछे भी आ गया, आगे भी आ गया, ओहो तीन बंदों ने कह के ले ली। तो यहाँ पर हम शहीद हो गए हैं, फिर से हम आ गए हैं, फिर हम भागते हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही मतलब इस मैच में, मतलब मेरे को लैग नहीं मिला, काफ़ी स्मूथ चला। इवन स्नैपड्रैगन 695 है कोई, मतलब फ्लैगशिप प्रोसेसर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कही और मुझे रियली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया गेम खेल के। बड़ी स्क्रीन है मतलब जैसे आप देख सकते हो ब्रिजेस कम है, तो जिनको बड़ी स्क्रीन में खेलना मज़ा आता है उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देख सकते हैं कितना स्मूथ गेम प्ले यहाँ पर गया। तो यहाँ पर एक और बंदा आया, इसकी भी किल हमने ले ली बड़े आराम से। तो अभी तो वैसे हमारी टीम हार ही रही है, अब देख सकते हैं 11 और 18 का स्कोर चल रहा है, कोशिश करेंगे हमें हम जीत पाएँ। ये बचा मेरी यूज़ में बस एक प्रॉब्लम होती है, 35 बुलेट्स देते हैं बहुत जल्दी जो ख़त्म कर देता है और बहुत जल्दी जल्दी चलता है। तो इसका हम लेते हैं M24 और इसको ट्राई करता है। अरे 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 बच्चा, मैं बहुत ही मुश्किल से बचा और एक किल लेनी मैंने M24 से, उसके बाद ही मैच ख़त्म कर देंगे। होपफुली हम जीत जाएं, नहीं जीतेंगे तो भी कुछ नहीं होता। अगर आप इसका गेम प्ले चाहते हो एक तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम जल्दी से इसका एक गेम प्ले भी लाएंगे FPS मीटर के साथ। यहाँ पर ये बंदा आ गया, अरे गोल जल पड़े, वाह किल हमें मिल गई। तो रियली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही, काफ़ी स्मूथ रहा। मतलब मैंने फ्लैगशिप फोन्स भी टेस्ट किए तो मुझे लैग मिल जाता था, पर इसमें मुझे बहुत रेयर लैग मिला, तो काफ़ी ऑप्टिमाइज और काफ़ी अच्छी तरह ये हैंडल किया गया है। साथ में कंपनी क्लेम करती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोन है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, इवन आप उसको बर्फ़ में भी घुसा दो तो भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं बर्फ़ वाला। तो मैंने एक बॉल लिया, उसमें पानी डाला और साथ में डाला ये फ़ोन और इसकी चेक करेंगे कितनी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। इवन ये IP68 या IP53, 54, 57, 58 कुछ भी सर्टिफाइड नहीं है, पर हमने टेस्ट किया क्योंकि कंपनी क्लेम करती है, पता चल जाएगा कितना सच बोल रही है कितना झूठ। तो मैंने 7 से 8 घंटे फ्रीजर में रखा ये मेरा फ़ोन, फ़ोन की डिस्प्ले ऑन थी, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो ही चल रही थी। मैंने कहा पैसे कमाने तो आप ही कमाओ ना, किसी और की वीडियो को चलाओ। तो जब मैंने खोला तो फ्रोजन हुआ था फ़ोन, तो मैंने इसको निकाला और जब मैं बर्फ़ में ही था तब भी स्क्रीन डिस्प्ले इसकी ऑन हुई, तो रियली शॉकिंग, मतलब वो फेस अनलॉक मेरा कैश करने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने बर्फ़ से इसको बाहर निकाला फ़ोन को और मुझे था नहीं ये चलेगा, क्योंकि कोई सर्टिफाइड नहीं है। पोर्ट्स हैं इसमें, जैसे स्पीकर हैं, चार्जिंग पोर्ट है, सिम ट्रे है, तो और मुझे था पानी चल जाएगा तो नहीं चलेगा, स्क्रीन नहीं सही तरह करेगी। बट अनएक्सपेक्टेडली ये फ़ोन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यार से चला। आप जैसे देख सकते हैं मतलब बिल्कुल विदाउट लैग चल रहा है, इवन पानी के ड्रॉप्स अभी भी इस पे थे, बहुत ही बढ़िया चला। इवन मैंने जब कैमरा भी ऑन किया तो कोई वाटरमार्क, कोई जैसे फॉगी नहीं आया, मतलब इतनी देर पानी में रहने से फ्रोज होने के बाद भी ये चल पड़ा। तो रियली हैंड्स ऑफ टू दिस फोन। बाकी कंपनी क्लेम करती है आप इसको गेरोगे भी टूटेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत अच्छा लगाया गया है। अगर आप ड्यूरेबिलिटी टेस्ट चाहते हो तो मैं इस पे एक और वीडियो बना सकता हूं, वैसे मैं ये टेस्ट करता नहीं हूं, मगर थोड़ा कंपनी कह रही है तो हम क्यों ना टेस्ट करें। तो मुझे रियली काफ़ी सॉलिड तगड़ा फ़ोन लगा ये। बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की, तो इसमें मिलता है आपको ट्रिपल रियर कैमरा, 48+2+2, 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे, पता नहीं कंपनी कब छोड़ेगा 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे, ये कंपनीज कब छोड़ेंगी मुझे समझ नहीं आता, मगर चलो हम देखते हैं। तो एवरेज पिक्चर्स आई है, नॉट बैड, नॉट सो इम्प्रेसिव, मगर मुझे ठीक लगी। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 20 या 32 मेगापिक्सल का तो देना बनता है। और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं, तो ट्राई आपके सामने करके दिखाता हूं मैं आपको, काफी क्विक है। वहीं फेस अनलॉक की बात की जाए तो ये भी काफी नॉट बैड, काफी अच्छा है। बैटरी 4800 mAh की मिलती है जो मेरे हिसाब से काफी तगड़ी है और आराम से एक दिन निकाल देती है, क्योंकि मेरे पास ये फोन ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में आ चुका था, तब से मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा रहा। तो ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो मुझे रियली इंप्रेस किया है, इवन कंपनी ने फ़ोन दिया इंप्रेस किया है। पहला तो इसका जो वाटर टेस्ट मैंने किया था, फ्रीजर टेस्ट जो भी कह सकते हो, उसमें ये जो पास हो गया ना, उससे पता चल गया ड्यूरेबिलिटी इसकी कितनी अच्छी है। प्लस लुक्स मुझे अच्छी लगी, लुक्स काफ़ी पसंद आई मुझे, ब्रिजल्स डिस्प्लेस की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इवन ये एमोलेड नहीं है, मुझे बहुत पसंद आई, ब्रिजल्स बहुत ही कम दिए गए, मतलब ना के बराबर दिए, तो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है। बाकी आपको ये कैसा फ़ोन लगा, अगर आप कोई कंपैरिजन या रिव्यू चाहते हो इस फ़ोन का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप ये फ़ोन बाय करना चाहते हो, आप UAE में रहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।